दोस्तों यहाँ पर देखिए बिहार बोर्ड की ओर से बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आपका रिजल्ट जो है क्लास 10 का कल जारी हो जाएगा, यानी कल 5 अप्रैल को रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा। बिल्कुल निश्चित है और मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर इस वीडियो मतलब कहाँ पर आपका रिजल्ट जारी होगा और किस तरह से आप चेक कर पाएंगे, मैं सभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार बोर्ड रिजल्ट 2021। बिहार बोर्ड ने देर रात किए ट्वीट दी ये जानकारी। देखिए देर रात से ट्वीट करके उन्होंने बताया कि 5 अप्रैल यानी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5 अप्रैल के लिए आवेदन कर सकेंगे, तो यहाँ पर 5 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ जाएगा। और देखिए अगला जो है मैं बताता हूँ किस प्रकार से चेक कर पाएंगे। सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र में चल जाइए और न्यू टैब लेकर सर्च करना होगा आपको सरकारी रिजल्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पर सर्च किया होगा लेकिन लिख देते हैं सरकारी रिजल्ट .com सर्च कीजिएगा, उसके बाद इस तरह से कीजिएगा, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा आपका। उसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार से इसे जाने के बाद यहाँ रिजल्ट पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। रिजल्ट पर क्लिक करते ही आपका कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, देखिए कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लेटेस्ट रिजल्ट यानी जो भी रिजल्ट आएगा आपका वो यहीं पे दिखेगा, इसके अलावा आपको कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। देखिए इस तरह से जो आप देख रहे हैं SSC का, जैसे इससे पहले आप बिहार बोर्ड क्लास 12 का रिजल्ट आया था, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बिहार बोर्ड BSCB इंटर क्लास 12 रिजल्ट, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा सबसे ऊपर में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सबसे ऊपर में आ जाएगा आपका, 3 बजे आ जाएगा कल, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक कर लेते हैं, बता देते हैं कैसे चेक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्लाइड अप करना, नीचे स्लाइड अप करते हुए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड क्लास 12 रिजल्ट, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा डाउनलोड क्लास 12 रिजल्ट पर। तो ऐसे अभी सर्वर नहीं है, सर्वर जब रहता है जैसे यहाँ पर सर्वर 2 पर जाते हैं, यहाँ पर हो कहीं, हाँ देखिए यहाँ पर सर्वर शायद दिया हुआ है लग रहा, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा, उसके बाद रोल कोड जो भी आपको फिलअप कर देना, रोल कोड फिलअप कर दीजिएगा, उसके बाद रोल नंबर फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए कि इस तरह से 17 पद जितना होता है जैसे इसको जोड़कर यहाँ पर कैप्चा दीजिएगा, फिर व्यूज कर दीजिए। जैसे मैं एक आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ, जैसे ये रोल कोड हो गया और ये रोल नंबर हो गया, उसके बाद देखिए ये कितना हो जाता है, इसका जोड़ लीजिएगा 17.32 हो जाएगा, यहाँ पर 15 है 32 हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ व्यू कर दीजिएगा, इस तरह से व्यू करने के बाद आपको रिजल्ट यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट डिवीज़न है 316, तो इसी प्रकार से आपको दिख रहा है। और आपको PDF में करना होगा तो प्रिंट करके इस तरह से PDF में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस प्रकार से आपको और भी वीडियो मिल सके।